ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। असंख्य मोहिनी मंत्र मैं आपको बता चुका हूं और कई मोहिनी मंत्र ऐसे हैं जो कि अभी भी गुप्त हैं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं उन्हें पब्लिक डोमेन में दूं ना दूं, और कई बार मैं बिना बताए ही वो मंत्र जो है यूट्यूब पे डाल देता हूं। और जब कभी कोई ऐसा केस आता है जो कि असाध्य हो, किसी से ठीक ही ना हो रहा हो, तब मैं वही मंत्र देता हूँ। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं ये तो वही मंत्र जो आपने दिया था। तो जो अभी आप YouTube पे मंत्र देख रहे हैं उनमें से कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि पल भर में काम कर सकते हैं, और उनमें से ही आज मैं आपको एक दूंगा मोहिनी मंत्र, जो कि एक बार पहले भी मैंने आपको बताया है। और ये इतना सटीक है कि एक बार किसी पे कर देने से वो चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपके नाम की माला जपेगा। जब भी कोई मोहिनी मंत्र आप सिद्ध करना चाहें तो उसमें पूर्ण विश्वास रखते हुए इस साधना को करना चाहिए। यदि मन के किसी भी कोने में किसी भी तरह का कोई शंका हो, कोई ऐसा विचार हो जो कि आपकी साधना में बाधा बन सकता है, तो उसको दूर कर दीजिए। जब तक आपका विश्वास अडिग नहीं होगा तब तक मंत्र काम नहीं करेंगे। मेरे पास लाखों लोग आते हैं जिनका काम बनता है, और लाखों लोग ऐसे भी आते हैं जिनका काम नहीं बनता है। लाख प्रयास करने पर भी मोहिनी मंत्र काम नहीं करते हैं, और कोई पहली ही बार में इसे साध लेता है, तो ये कैसे होता है? उसके बाद मैंने देखा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्क ढूंढते हैं। और मैंने देखा है कि जिसने भी विश्वास किया है उसके लिए इस मंत्र ने रातों रात असर दिखाया है। तो जब भी आप कोई साधना करें तो भूल जाइए, बिल्कुल शून्य होकर कीजिए। यदि आपका ज्ञान इसके बीच में आड़े आएगा तो फिर मंत्र काम नहीं करेगा। एक कोरा कागज बनकर फिर साधनाएं कीजिए तो ये चीज़ें काम करेंगी। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता लगा है कि जिनका अडिग विश्वास था उनके लिए मोहिनी मंत्र ने रातों रात चमत्कार किए हैं। और ये देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि इतना जल्दी कोई काम कैसे कर सकता है। एक मेरे सब्सक्राइबर थे जो कि लुधियाना से थे, तो उन्होंने क्या किया, जो मोहिनी मंत्र है वो बस जाप ही किया था और सामने से देखते ही देखते उसका असर उनको दिख गया। जो उनकी साध्या थी वो उसी समय आकर्षित हो गई। जहाँ महीनों से बात बंद थी वहाँ पर उसी समय बात शुरू हो गई, जबकि उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, मन में ही मंत्र बोला था। तो देखिए कितनी बड़ी शक्ति है ये, जो कि बिछड़ों को मिला दे, जो बात ना करते हो उनसे बातें शुरू करवा दे, तो एक चमत्कार ही है ये। और ये जो विद्या है ये लुप्त होती जा रही है। इसको सीखिए और जानिए किस तरह से आप भी अपने बिगड़े हुए काम इससे बना सकते हैं। तो जो भी जिज्ञासु चाहता है कि वो मोहिनी मंत्र सिद्ध कर ले, सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान दीजिए और इसे एक साधना समझ के कीजिएगा। जब ये मोहिनी मंत्र आप प्रयोग में लाना चाहें उसी दिन से सात्विक खाना शुरू कर दें। लहसुन प्याज का सेवन ना करें, बिल्कुल सात्विक, जैसे उबला हुआ खाना खाएं, और मांस मदिरा अंडे बीड़ी सिगरेट शराब ये सब भूल जाइए, क्योंकि जितने भी मादक पदार्थ हैं वो आड़े आती हैं साधना में। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो जो परिवर्तन होने चाहिए बॉडी में वो हो नहीं पाएंगे और वो शक्तियां सामने नहीं आ पाएंगी। जब शरीर स्वस्थ होगा निर्मल होगा उस समय अभी मेरी क्लाइंट है वो मेरा एक साधना का प्रोसेस चालू है वो कर रही हैं, और उसी बीच उन्होंने सिर्फ एक मंत्र कहीं से सुन लिया,
अब एक साधना चल रही है उनकी और दूसरी साधना उन्होंने पकड़ ली, तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो कोई सौंदर्य की साधना उन्होंने देखी वो शुरू कर दी, मतलब कि सिर्फ मंत्र सुन रही थी, तो उनके मस्तक पे कुछ चीज़ काट गई और उनका पूरा जो मुंह है वो स्वेल हो गया। ये अभी की बात है, कल की 17-18 की होगी। अब आप देखिए कि जब एक साधना पकड़ ले तो संकल्प ले, अपने हाथ में थोड़ा सा पानी ले और एक संकल्प ले कि जब तक मैं इसको साध नहीं लूँगा तब तक मैं ये नहीं करूँगा, या फिर कोई भी आप संकल्प ले सकते हैं कि जब तक ये साध ना लूँ, जब तक ये पूरी ना हो जाएगी तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। और इस संकल्प को लेने के बाद जो आपकी साधना होगी उसके बीच में और कुछ नहीं आना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, आज ये कर लिया कल दूसरा मंत्र पकड़ लिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक सधे तो सब सज जाए, एक मंत्र पकड़िए तो आपके सारे मंत्रों का काम वो एक मंत्र ही कर देगा। तो चलिए आपको मंत्र बताते हैं, इसकी विधि जो है वो कुछ ऐसी है कि आपको पूर्वमुखी होना है और जो आपका आसन रहेगा वो मृगचर्म का रहेगा, मृगचर्म ना हो तो कोई भी आसन बिछा सकते हैं। आपका जो मुखमंडल होगा वो सूर्य की तरफ होगा और समय रहेगा आपका शाम के 6 से 8 बजे के बीच। आशा करता हूँ कि आप इस मोहिनी मंत्र को अपने जीवन में लाएंगे और जल्दी मुझे बताएंगे कि कितना जल्दी आपने इसको साध लिया है। जो भी आपका साथी है, जो भी आपका प्रेमी है, उसको अपने वशीभूत कर लिया है। कई बार ऐसा होता है कि मंत्र को बोलते बोलते उसमें त्रुटियां हो जाती हैं, तो साध्य गुरु के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी साधना करें तो उसमें एक गुरु बनाएं। गुरु से जब तक आप परामर्श नहीं लोगे तब तक साधना जो वो विफल है। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, क्योंकि गुरु जो है इन साधनाओं से बहुत पहले निकल चुका है, तो वो आपको गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आपको जो है ये साधना पूरी करनी है। तो एक बार परामर्श अवश्य लें और उसके बाद कोई भी मंत्र शुरू करें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर, और आप व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही कीजिएगा क्योंकि जो फ़ोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको 24 घंटे के भीतर भीतर जो है उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। जति हनुमंत कनेरी मेरे घट पिंड का कौन है, बैरी 36 पवन मोहि मोहि जोहि जोहि दह दह, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा सतनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को ग्रहण काल में, विशेषकर सूर्य ग्रहण में, गंगा आदि जो भी कोई नदी आपके आसपास हो वहाँ पर जाएं और कमर भर तक अपना शरीर डुबो लें उसमें, और इसके बाद इसको 108 बार की संख्या में जपना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपका ये जो मंत्र है ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आपको घर वापस आ जाना है और 108 की संख्या में प्रतिदिन आपको ये मंत्र जपना है। यदि आप ये एक समय निकालें और उस समय में किसी जंगल, किसी वन में, किसी गुफा में, किसी मंदिर में, किसी खंडर वीराने में अगर ये मंत्र साधना करते हैं तो इसका असर जो है वो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। घर में ऐसा होता है कि 10% ही आपको असर दिखता है, लेकिन घर से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक डर का माहौल होता है और उस डर के माहौल में शक्तियाँ प्रकट होती हैं। अब घर में क्या होता है कि आपको बिल्कुल सिक्योरिटी रहती है, आपको कोई डर नहीं लगता, तो वो चीज़ें बाहर आ नहीं पाती। एकांत में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर नाना प्रकार की शक्तियाँ विचरण करती हैं। जहाँ पर भी ऐसा गुम्फन होता है उस जगह पर एक अजीब सा ही वातावरण बन जाता है। उस वातावरण में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप अपनी सूक्ष्म आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो चीज़ें आपके मंत्रोच्चारण के बीच में और आपके साध्य के बीच में एक कनेक्शन बनाती हैं और उस कनेक्शन से ही आपकी जो मुराद है वो पूरी होती है।
तो कभी भी जब कोई साधना करे तो एकांत में करें, अकेले करें। अगर घर में ही साधनाएं पूरी हो जाती तो बौद्ध कभी भी अपना घर छोड़कर जंगलों में नहीं जाते। साधनाएं पूरी होती हैं एकांत में, एक ऐसा स्थान जहां से आप इस पृथ्वी से दूरी बना लें, किसी वन में, किसी गुफा में। जब तक साधना हो तब तक ऐसी जगह में रहें तो ये बहुत जल्दी काम करती हैं। We'll be right back.